शाहजहांपुर की 6 विधानसभाओं की गली मोहल्ले में घूम घूम कर मिशन 24x7 आपके लिए लेकर आया है कौन बनेगा विधायक। मिशन की टीम आज पहुंची है कटरा विधानसभा में। कटरा कस्बा है जहां पर हम लोग खड़े हैं। आज यहां पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आए थे। प्रिंस वीर विक्रम सिंह के समर्थन में उन्होंने एक जनसभा की है और उन्होंने वहां पर जिताने का उनको आह्वान किया है, जनता से आह्वान किया है कि वीर विक्रम सिंह को एक बार फिर से विधायक बनाएं। हम यहां पर कस्बे में मौजूद हैं, लोगों से बात करेंगे कि वीर विक्रम सिंह ने पिछली बार में कितना काम किया है और इस बार विधायक कौन बन रहा है। क्या नाम है चाचा? रफी अहमद। रफी जी, बताइए कि कितना काम पिछली बार विधायक ने किया और इस बार विधायक कौन बनेगा? इस बार प्रिंस ही विधायक बनेगा। काम हम किए हैं पिछली बार? काम तो फिलहाल करे भी हैं और काम कम भी हुए हैं। काम तो नहीं हो पाए लेकिन एक ईमानदार विधायक है ये, इसलिए विधायक प्रिंस ही बनेगा। इसलिए प्रिंस ही बनेंगे। हाँ, समाजवादी पार्टी भी बड़ा दम लगा रही है यहाँ पर। दम तो सभी लगा रहे हैं, दम तो सभी लगा रहे हैं, दम लगा रहे हैं, दम दम तो अपनी अपनी सभी लगा रहे हैं, लेकिन बीजेपी और सपा का ही लड़ाई है। उम्मीद तो यही 90% प्रिंस ही जीतेगा। 90% प्रिंस जीतेंगे। आप बताइए क्या नाम आपका? हमारा नाम रफाई था। कौन विधायक बन रहा है इस बार? प्रिंस के अलावा कोई नहीं बन पाएगा, कोई बनेगा? राजेश यादव हैं, मुन्ना सिंह नवादा हैं। हाँ जी हैं, मगर ये सब पीछे रहेंगे। ये पीछे रहेंगे? ये पीछे रहेंगे। कितना पीछे रह जाएंगे आप बताइए? लड़ाई बराबर की है, सबकी टक्कर बराबर की होगी। तो फिर जीत किसको मिले? जीतता कोई पता नहीं, 2 मई से। ये हकीकत बता रहे हैं आपको, कौन निकलता है किस्मत तेज हुई वही निकलेगी। साइकिल लड़ाई, आप बताओ, आप बताओ। साइकिल जीतेगी, साइकिल जीतेगी। ये तो कह रहा है कर दोनों को बराबर की है, बता रहे हैं आप। कोई जिसकी किस्मत तेज हुई वही निकल जाएगा, बस समझ लो आप बात। तो वीर विक्रम सिंह क्यों नहीं जीत पाएंगे? जी ऐसा है, काम नहीं हो पाया। जो पब्लिक चाह रही थी जैसा काम होना चाहिए था, वो काम नहीं हो पाया सर। जैसा पब्लिक चाह रही वैसा काम नहीं हो पाया। जी आप बताइए कौन विधायक बनेगा इस बार? राजेश यादव। राजेश यादव जी। वीर विक्रम सिंह प्रिंस है, पिछली बार आपने जिताया था, आप लोगों ने 70,000 वोटर्स जीते थे, इस बार क्या बात है, नाराजगी किस बात की? नाराजगी कुछ नहीं है, हर बार विधायक बदलना जरूरी है। विधायक बदलना जरूरी है, सरकार भी बदलना जरूरी है, हमारे किसान भाई बहुत परेशान है इस टाइम। आप बताइए विधायक इस बार कौन बन रहा है? जी इस बार विधायक कौन बनेगा यहाँ से? ये नहीं बता सकता हूँ भाई सर। मतदाता हैं यहीं के रहने वाले आप? हम ही के रहने वाले, यहीं के। पिछली बार वीर विक्रम सिंह विधायक थे जी, इस बार कौन बनेगा? नहीं ये नहीं बता सकते ना। ये नहीं बता सकते? बिल्कुल नहीं, ये पता ही नहीं चलेगा। हम लोगों क्या बता है किसकी हवा है, क्या बात है, वजह क्या है? बड़ा हवा भाई, अपना काम में लगे हुए हैं, एक में ड्राइवर ठहरे हुए हैं, दुनिया में घूम रहे, अपनी लैंड पर रोड पूछिए बारे में, मैं बता दूंगा रोड वहाँ से वहाँ आए भाई साहब। और मुझे नहीं पता है विधायक कौन ये बनेगा? कटरा खुदागंज का जो रोड है इसको लेकर क्या कहोगे? जो रोड खुदागंज चला गया, खुदागंज चला गया। अच्छा है रोड? ये रोड थोड़ा खराब है, थोड़ा अच्छा है, बस काम हुआ नहीं इस रोड पे। आधा काम हुआ आधा नहीं हुआ, आधा काम हुआ आधा नहीं हुआ है। भाई आप बताइए कौन विधायक इस बार बनेगा? यहाँ से सिर्फ राजेश यादव। राजेश यादव जी, यूपी में अखिलेश, कटरा में राजेश यादव। भाई क्या नाम आपका? मोहम्मद इकरार। कौन विधायक कौन बन रहा है इस बार यहाँ? विधायक कमल फूल जीतेगा। कमल का फूल जीतेगा। आप बताइए भाई कौन विधायक बनेगा इस बार? सर कमली जीतेगा, कमल जीतेगा। कमल जीतेगा जी। करते क्या हो आप? खेती बाड़ी। खेती बाड़ी करते हो जी। खेती वेती को लेकर कोई दिक्कत तो नहीं है? दिक्कत बहुत कुछ है, फिर कुछ नहीं है। क्या दिक्कत है? दिक्कत तो अपनी है, गायों की दिक्कत है, गाय तो हम ही लोगों ने छोड़ी है। कितनी बड़ी दिक्कत है? कुछ दिक्कत नहीं है, फिर बहुत दिक्कत है, गाय तो हमारी है, हमने लोगों ने छोड़ी है, वही दिक्कत है। सरकार सर कमली की बनेगी। सरकार कमल की बनेगी? पक्का पक्का। भाई आप बताइए इस बार विधायक कौन बन रहा है? इस बार साइकिल आई अखिलेश, अखिलेश यादव। अखिलेश यादव तो मुख्यमंत्री के लिए है ना? मुख्यमंत्री यहाँ बनेंगे, कौन है विधायक यहाँ? वही बनेंगे जो साइकिल वाले। साइकिल वाले? साइकिल आएगी फुल फुल बहुमत से, साइकिल मेरा भाई कुछ नहीं पता। भाई क्या नाम आपका? कौन विधायक कौन बनेगा इस बार? राजेश। राजेश यादव, ऐसी क्या खूबी राजेश यादव? अब खूबी है उसके अंदर जो भी कह रहे हैं आपसे हम, खूबी है कहते नहीं आपसे हम। वीर विक्रम सिंह प्रिंस थे विधायक थे पहले यहाँ पर, वो भी सही थे। वो भी सही थे, वो भी सही थे, तो फिर क्यों हटा रहे हैं उनको? अरे मर्जी की बात है यार, मर्जी की बात है और क्या, दिल की बात है। विधायक कौन बनेगा इस बार? प्रिंस। प्रिंस बनेंगे जी।
ऐसी क्या खूबी है? ऐसा है ना, अब हम लोग तो ये देखते हैं दुकानदार है, कानून व्यवस्था सही है, सफाई बढ़िया है, लाइट बढ़िया मिल रही है, और क्या चाहिए? जो बुनियादी चीज़ें हमारे लिए चाहिए ज़रूरी है वो हमें मिल रही है बीजेपी गवर्नमेंट में। सब बढ़िया चल रहा है जी। आप बताइए कौन विधायक बनेगा? विधायक प्रिंस, प्रिंस बनेंगे जी। राजेश यादव लड़ रहे हैं, कांग्रेस का प्रत्याशी है, मुन्ना है। प्रिंस बढ़िया है, सब काम बढ़िया है। सब काम बढ़िया है जी। जीत जाएंगे? जीत जाएंगे। इस बार कितनी वोटों जीतेंगे? पिछली बार 17,000 से जिताए थे लोग, उससे भी लंबे समय से जीतेंगे। भाई आप बताओ कौन बनेगा विधायक? प्रिंस। प्रिंस बनेंगे जी। राजेश यादव? आप तो जब चार लड़ते हैं तो उसमें से एक ही जीतता है, चार थोड़ी ना जीत जाएंगे। लिख लेंगे सिर्फ प्रिंस। आप बताओ? प्रिंस जीतेंगे सिर्फ। प्रिंस जीतेंगे? प्रिंस। क्या खास वजह? क्या वजह है? काम अच्छे हैं उनके, काम कराए हैं, खूब कराया काम, जो भी कराया वो हमारा हुआ काम। भाई आप बताओ कौन विधायक इस बार बनेगा? विधायक ही देखो टक्कर तो हो रही है राजेश यादव या प्रिंस में, इन दोनों में से एक ही बनेगा। प्लस जो है अभी कांग्रेस से वो खड़े हैं मुन्ना सिंह नवादा, तो उधर से जो है वोट उनका कर सकता है क्योंकि ठाकुर हैं वो। बाकी टक्कर तो उन्हीं की होगी, बाकी जीत तो देखो राजेश की भी हो सकती है, चुनाव उन्होंने भी काम अच्छे कराए थे, ऐसा नहीं है। अभी कहाँ नहीं जा सकता कौन जीत, कहाँ नहीं जा सकता क्योंकि टक्कर इन्हीं दोनों में होगी, नंबर एक नंबर दो पे यही चलेंगे राजेश। जबरदस्त फाइट है? फाइट एकदम जबरदस्त है, कोई किसी से अभी पीछे नहीं है। अच्छा ये बताओ कि समस्याएं क्या हैं क्षेत्र की अगर बात की जाए जिन पर काम होना है? समस्याएं तो बहुत हैं अभी, प्लस स्टडी में देख लें कुछ, हमारे यहाँ डिग्री कॉलेज नहीं है कटरा में, महिला कॉलेज अभी है वो भी है इंटरी तक है जैसे, बाकी जो है समस्याएं तो साफ़ सुथरा ही है, प्लस नाले वगैरह हैं ये भी नहीं है। थोड़ा जो है फोकस जो है स्टडी पे होना चाहिए ज़्यादा, बाकी समस्याएं तो और रोड वगैरह हैं, ये चीज़ें भी हैं बनना चाहिए, यही होना चाहिए। आप बताइए विधायक कौन बनेगा तुम्हारा? अरे वो अखिलेश यादव बता रहे लोग। हाँ जी अखिलेश यादव को बता रहे हैं। नहीं अखिलेश यादव तो मुख्यमंत्री के चेहरा है ना, यहाँ कौन जीतेगा? जी राजेश। राजेश पक्की बात है? पक्की बात बता रहे लोग। भाई आप बताइए विधायक कौन बनेगा इस बार? विधायक क्या पता कौन बनेगा। आप वोट नहीं करते हैं? आप वोट नहीं करते हैं? अरे वोट करते हैं, वो तो नजीता आने के बाद पता चले कौन जीते कौन नहीं, ये तो मैं क्या पता। आपको क्या लग रहा है किसकी हवा है यहाँ? हवा सबकी है। माहौल क्या चल रहा? माहौल साइकिल चल रही है ज़्यादा, साइकिल साइकिल का माहौल है। भाई आप बताओ कौन विधायक बनेगा इसका? अरे कुछ कह नहीं सकते हैं, कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी क्या माहौल क्या चल रहा है? माहौल तो दोनों का चल रहा है, बीजेपी का भी सपा का भी। तो भारी कौन है? अब जो जीतेगा वही भारी हो जाएगा, जीतेगा वही, कह नहीं सकते। तो यहाँ पर हम लोगों ने बात की, यहाँ कटरा कस्बा में मौजूद थे, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर वीर विक्रम सिंह प्रिंस फिर से विधायक बने, कुछ लोगों का कहना है कि इस बार साइकिल चलेगी। खैर ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिर ताज किसके सिर पर सजेगा।